अभी हम हैं हाजीपुर साइड में और आपको अपडेट देने जा रहे हैं महात्मा गांधी सेतु। दो वीडियोस का हम अपलोड करेंगे, एक नीचे से एक ऊपर से जाकर के उस साइड। चलिए, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ देखने को मिलता है। काफ़ी दिनों से आप लोग महात्मा गांधी सेतु का अपडेट देखना चाह रहे हैं, तो चलिए आज उसका अपडेट आपको देते हैं, दिखाते हैं उसका अपडेट। चलिए चलते हैं महात्मा गांधी सेतु का कार्य देखने के लिए। क्या कुछ तेरसिया दिया, जड़वा से थोड़ा सा आगे और सामने महात्मा गांधी सेतु। ये पुल के दाहिने तरफ से ली गई तस्वीर, जहां पर आपको ये पाया दिख रहा है जो पाया नंबर एक है, और इस तरफ जो नए पायों का निर्माण हुआ है वो है। दो पाए बनाए गए हैं, पाया नंबर एक के बाद और एम्बैकमेंट के पहले। ये पाया नंबर एक तक ट्रस इरेक्शन का काम हो चुका है, जो पहले नहीं हुआ था। अभी तक जो अपडेट मैंने आपको दिया था उसमें पाया नंबर दो तक ट्रस इरेक्शन का काम हुआ था और एक नंबर पाया पे काम चल रहा था, लेकिन अब वो कंप्लीट हो चुका है और पाया नंबर एक और नए पाए के बीच काम बाकी है। इसमें प्लेट लगना बाकी है इस नए इरेक्शन में। पाया नंबर एक से जिला निबंधन परामर्श केंद्र वैशाली की दूरी 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर है। अब हम चल रहे हैं पाया नंबर 27 तक, जहां तक पानी, गंगा का पानी का लेवल हमेशा रहता है, मानसून में रहता है। ऐसे तो वो सूखा हुआ रहता है, लेकिन हम उधर चल रहे हैं और इस बीच में आपको दिखाते जाएंगे प्रोग्रेस। निचोड़ इसका जो इसका सारांश होगा वो हम आपको पाया नंबर 27 के पास जब पहुंचेंगे तब हम आपको पूरा एक से लेकर के 27 तक का पूरा आंखों देखा हाल हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप खुद भी देख सकते हैं जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पाया नंबर एक से लेकर के पाया बढ़ रहे हैं हम अभी पाया नंबर 27 के तरफ, और ये पाया नंबर 5 हम क्रॉस कर रहे हैं। पाया नंबर 9 और 10 के बीच में गैप था, लेकिन वो भी गैप देखने के बाद पता चला कि वो भी बन चुका है। पाया नंबर 9 और 10 के बीच का गैप भी भर चुका है। कई सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। पाया नंबर 9 जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, और पाया नंबर 9 और 10 के बीच में जो काम नहीं हुआ था उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रस इरेक्शन का काम हो चुका है। अब हम बढ़ चले हैं आगे, पाया नंबर 9 को छोड़ चुके हैं और 10 नंबर पाया सामने है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मशीनें जितना काम होना है उस वो मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, और काम ऊपर में अब हो रहा है। नीचे का सारा बेस अब हटा दिया गया है। ये देख सकते हैं ये तस्वीर आप, काफ़ी सुंदर लुक आता है। अगर सन के डायरेक्शन में तस्वीर ली जाए तो काफ़ी सुंदर इसका लुक आता है, ये आप देख सकते हैं। आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जा रहे हैं काम करने के लिए। मैंने बोला ही था कि ऊपर जो है अब काम हो रहा है, जहाँ पे ट्रस इरेक्शन का काम हो चुका है वहाँ पे अब ऊपर कहीं पे प्लेट लगाए जा रहे हैं, तो कहीं पे कंक्रीट करने का काम चल रहा है, तो कहीं पे कुछ इस तरह से जो काम है ऊपर ही चल रहा है। इधर नीचे काम होता हुआ जो है उस तरह का नहीं दिखा जितना पहले दिखा था, अब जो भी काम है ऊपर हो रहा है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से काम हो रहा है वही स्पीड अगर बरकरार रहा तो जल्द ही ये
पुल चालू हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से डायरेक्शन चेंज करना होगा, उस तरफ जाना होगा क्योंकि उधर पानी जमा था रास्ते पे, और क्या पानी का लेवल होगा कह नहीं सकते। ये पाया नंबर 24 और फिर इस तरफ आ गए हैं और सामने पाया नंबर 27 हमें दिख रहा है, 26 भी दिख रहा है, और हम वहां से आपको अब पूरा निचोड़ बताएंगे इस प्रोजेक्ट का। इस तरफ से आंखों देखा हाल आपको हम बताएंगे। अच्छा, रिपोर्ट क्या, ये चालू हो जाएगा ये मुझे लगता है। अब इस पाये से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे क्योंकि पाया नंबर 27 काफ़ी कई बार मैंने पाया नंबर 27 वीडियो दिखाया है, और यहाँ पर जो पाया नंबर 27 से काम 38 तक हुआ था वो तो बरकरार है, 27 से इधर काम जो कंप्लीट नहीं हुआ था वो काम कंप्लीट हो गया है। यानी कि पाया नंबर 27 से पाया नंबर 1 तक पूरी तरह से जो ट्रस इरेक्शन का काम है वो लगभग कंप्लीट है। जो काम बचा हुआ है वो है फिनिशिंग का, प्लेट का, कंक्रीट का, और जो पेडिस्ट्रियन होगा साइड में फुटपाथ होगा उसका काम बचा हुआ है। और पाया नंबर 1 से लेकर के पाया नंबर 38 और फिर उधर 39 नंबर पाया तरसी का काम हो चुका है, और 41 से पे भी उधर दो पायों पे मतलब तरसी का काम चल रहा है। और आप ये गंगा का धारा देखिए, ये पाया नंबर 27 है और काफ़ी दूरी पर, यानी कि पाया नंबर 30 के बाद पानी हुआ करता था, लेकिन अभी देखिए अभी जो पानी का लेवल है ये देख सकते हैं, पानी थोड़ा घटा है, पानी यहाँ तक था और अभी घटने के बाद पानी अभी भी पाया नंबर 27 को टच किया है करता है। हम हमेशा बोलते रहते थे कि पाया नंबर 27 जो है अभी फिलहाल पाया नंबर 27 तक पानी आता है बारिश के मौसम में जब मानसून आता है। और यहाँ से आप पटना का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं, सन लाइट में हम ये देख सकते, जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये खूबसूरत पटना अपना दिख रहा है गंगा के किनारे, और यहाँ से आपको पाया भी दिख रहा होगा गंगा एक्सप्रेसवे का, और इधर भी गंगा एक्सप्रेसवे आपको उसका पाया हमें दिख रहा है, धुंधला सा विस्कुमान भी हमको दिख रहा है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि दूरी काफ़ी है। और ये देख सकते हैं पटना का दृश्य, गंगा के किनारे बसे पटना का सुंदर सा दृश्य ये देख सकते हैं। और ये सेतु का जो त्रस्य काम है आप देख सकते हैं कि पाया नंबर 38 तक हमें दिख रहा है कि काम 38 से लेकर पाया नंबर 1 तक काम जो है हो चुका है। और इधर ये देखिए बादल किस प्रकार सेतु के ऊपर से उड़ रहा है, और पाया नंबर 1 के बाद दो नए पायों का निर्माण हुआ है हाजीपुर की तरफ, और उस तरफ का तो अपडेट हम देंगे सेकंड वीडियो में तो उस तरफ से क्या स्थिति है, लेकिन यही है फिनिशिंग जो है काम बाकी है और काम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद हम आपको उस पार का वीडियो दिखाएंगे, साथ ही नया वाला जो पुल बन रहा है गांधी सेतु के बगल में उसका भी काम शुरू हुआ है, मिट्टी टेस्ट का काम चल रहा है, वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए, ऊपर से चल के हम आपको गाय घाट तक ले चलेंगे और वहाँ तक का दृश्य दिखाएंगे। 27 पाया मुझे इधर से लौटना होगा, 27 × 54 पाया क्रॉस करने के बाद हमें इधर जाना होगा, अगर पिपा पुल होता ये तो हम यहाँ मुश्किल से यहाँ से 10 पायों का अंतर था, लेकिन अब 20 पायों का अंतर था, लेकिन अब मुझे 27 × 54 पाया टर्न करके फिर 20 पाया क्रॉस करके यानी 74 पाया क्रॉस करना होगा, तब जा करके हम उस पार पहुँचेंगे। तो यही अपडेट है महात्मा गांधी सेतु का, और जिस स्पीड से काम चल रहा है मुझे लगता है कि जल्द ही मतलब कि इस साल के अंत तक कुछ अच्छा रिपोर्ट मिलेगा। पानी का लेवल बढ़ते ही जहाँ पर पहले पीपा पुल था वहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाव
किस हिसाब से तेजी से आ रहा है। अब मैं वापस लौट रहा हूँ, दूसरा वीडियो आपको दिखाऊंगा जो ऊपर से होगा। पाया नंबर 1 से ही शुरू करेंगे और आपको पाया नंबर 46 तक लेकर चलेंगे और पूरा दृश्य ऊपर से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या नीचे से तो काम दिख गया है और ऊपर से दिखाएंगे कि क्या स्थिति है, कैसा काम हुआ है, ये सारा कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन आ रहा है किनारे की ओर और जहाँ पर पानी नहीं रहता था, सूखा हुआ पार्ट था, बालू ही बालू दिखता था, वहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार गंगा का पानी पायों को अपने सामने बौना कर रहा है। ये दृश्य कई एंगल से तस्वीर लेने की कोशिश करता हूँ दूसरी वीडियो में। साथ ही जो नया वाला सेतु बनेगा, जो नया वाला पुल बन रहा है महात्मा गांधी सेतु के बगल में, उसका भी काम शुरू हो गया है। मिट्टी जांच किया जा रहा था, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे सेकंड वाले वीडियो के बाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे इनका प्यारा नमस्कार। जय भारत, जय भारत।